सुप्रभात बच्चों, हमने प्रथम भाषा हिंदी में क्या क्या पढ़ा? फर्स्ट कविता पढ़े हम पंची उन्मत गगन के, वो पूरा हो गया है, ग्रामर हो गया है ना। कविता भी पढ़ ली, उसके आंसर भी आप लोगों को आए जूम में आपने बताया, जूम क्लास में। उसके बाद हम क्या करें, सेकेंड पार्ट दादी माँ पढ़े, दादी माँ के बारे में भी जान लिए, उनका गाँव कैसा था, वो कैसी थी, उनका नेचर कैसा था, ये सब हमने पढ़ लिया। और वहाँ का भी हम उस पार्ट का भी हम ग्रामर पढ़े। अब ग्रामर थोड़ा थोड़ा एक 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 जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अब पार्ट थर्ड पढ़ेंगे, आगे जाएंगे पार्ट के लिए। तो उसके बाद हम फिर थोड़ा व्याकरण पढ़ेंगे, व्याकरण माने ग्रामर। तो देखिए बच्चों, मैं एक प्रश्न पूछती हूँ, हम खाने में क्या क्या खाते हैं? रोज नाश्ता जलपान करते, नाश्ता बोलते जलपान करते हैं, उसमें क्या खाते हैं हम? उपमा या पोहा बोलते ना, हाँ वो, और कभी दोसा इडली ऐसा खाते हैं ना। तो अब पहले यही पैमिनो ऐसी चीजें खाते हैं, अब क्या हो गया है इसकी बदलती तस्वीर, मतलब अब खाने में भी बदलाव हो गया है। कैसे, क्यों बदलाव आ गया? क्योंकि घर के माता पिता पहले कैसे था, माँ घर में रहकर घर पर अनेक अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाकर बच्चों को खिलाती थी। लेकिन अब की नारी क्या हो गया, आज की नारी भी पढ़ लिख कर घर के बाहर जाकर काम कर रही है, नौकरी कर रही है, पैसा कमा रही है, क्योंकि आजकल बहुत ही हर चीज महंगाई हो गई है, इसलिए माता पिता भी घर के बाहर जाकर नौकरी करे, माता पिता तो करते ही है, लेकिन आप घर के नारी भी बाहर जाकर आप काम काज कर रहे हैं। तो इसके लिए कैसा समय मिलना ना, कुछ बनाने के लिए समय के तो बहुत लगता है, तो समय का कम होने के लिए उनको बस नहीं हो रहा, क्योंकि तैयार होना, घर तो अब देखना करना ये सब, इसलिए क्या कर रहे हैं आजकल, बाहर सब बाहर का लाके खा रहे, क्या खा रहे, बर्गर और क्या बैमिनो, क्या आजकल वो क्या ऐसा कुछ नए नए जो शब्द है, नए नए जो पिज्जा ऐसे खा रहे हैं, लेकिन क्या है इसका बदलाव हो गया है। लेकिन अपनी जो पुराने जलपान हम करते हैं घर में गरम गरम बना के खाते हैं, वो पौष्टिक होता है, लेकिन समय का अभाव के कारण सब लोग आज बाहर का ला के खा रहे हैं। तो इसलिए इसमें क्या बताया गया है, आजकल के खान पान की बदलती तस्वीर, मतलब कितना खान पान में बदलाव आया और क्यों आया। तो अपन आज हम पार्ट तीन खान पान की बदलती तस्वीर वाले को फोटो में बताया है क्या क्या बदलाव आया है खान पान में आजकल। ये किसने लिखा है? प्रयाग शुक्ल ने, लेखक ने एक लेख लिखा है, इसको लेख बोलते। किसने लिखा है? प्रयाग शुक्ल इनका नाम। तो इन्होंने बताया है क्या है अपने जीवन में बदलाव कैसे आया, रहन सहन में भी बदलाव आया, खाने पीने में भी बदलाव आया, और आज की नारी भी पहले आगे घर में ही बैठती थी, पढ़ती नहीं थी, मतलब पढ़ाया नहीं जाता था, लेकिन आज पढ़ लिख कर एक पुरुष के साथ वह बराबर के कंधे मिलाकर देश की सेवा भी कर रही है लड़कियां, है ना। तो इसमें इसलिए बताया है कैसे बदलाव आया और क्या क्या बदलाव आया खाने में। देखिए ये तस्वीर देखिए, मुझको बताया गया है क्या है, ये क्या है पूरी, है ना, इधर क्या है पूरी नहीं बोलते, छोल भटूरे बोलते इसको, और ये है छोले जो बड़े बड़े चनों से बनाते हैं भिगा कर, वो छोले भटूरे, इसको क्या बोलते हैं छोले भटूरे, इसमें क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं मीठी पूरी या करंजी, ऐसा मराठी में करंजी बोलते और तेलुगु में गर्जल बोलते, तो इसको हिंदी में क्या मीठी पूरी ऐसा रख के उसमें मसाला रख के जो भी बनाते हैं उसको डिजाइन लगा के करते हैं उसको बोलते हैं। यहाँ पर देखो पानी पूरी, नहीं नहीं पानी पूरी नहीं, यहाँ क्या है दोसा, है ना,
हम आटे से डोसा बनाते हैं, इडली, इडली भी खाते हैं ना पात्र में लगा के। ये क्या है, वड़ा, वो वड़ा भी बनाते हैं घर में। फिर ये क्या है, ढोकला, गुजराती पदार्थ है जो हम चने के आटे से बनाते हैं ढोकला। ये क्या है, समोसा, समोसा तो सबको पसंद है ना, समोसा। और ये क्या है, जलेबी, ये मीठी, इसमें जलेबी। तो आप इसको पहचान कर नाम लिख लिए, लिखिए, मैं जूम क्लास में फिर देखूंगी, है ना। ये क्या है, छोले भटूरे, फिर बात बोल रही। ये मीठी पूरी, घर जाल कुछ भी बोलते। ये वड़ा, इसको क्या बोलते हैं, वड़ा। ये क्या है, डोसा, सांबर और डोसा, इधर सांबर है देखो और ये डोसा है। ये क्या है, इडली, ये तो ज्यादा तो हम सांबर डोसा इडली उत्तप्पा ऐसे चीजें हम खाते रहते हैं। ये ढोकला, ढोकला कम खाते हैं क्योंकि ये गुजराती पदार्थ है, गुजराती लोग बहुत खाते हैं। समोसा, और ये हो गया जलेबी। तो ऐसे पदार्थ हमको बताए गए थे। अब ये चित्र में कौन कौन से व्यंजन दिख रहे हैं हम देखे, ये चित्र में हम व्यंजन देखे और उसका नाम भी लिखे। इनमें से आपको कौन सी चीज पसंद है, क्यों? हम इतने जो पदार्थ बताए हैं उसमें आपको कौन सी चीज पसंद है और क्यों, कौन सी पसंद है आप लिख लो, और क्यों पसंद है एक लाइन लिखना उसके सामने, ठीक है। घर में रोज अलग अलग व्यंजन क्यों बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं? हम एक ही सब्जी, सब्जी माने वेजिटेबल, तो हम एक ही सब्जी बार बार, तीन बार, तीन दिन, आठ दिन बनाते क्या? नहीं, क्यों? अलग अलग, आज आलू बनाए तो कल प्याज बनाते, परसों मेथी बनाते, पालक बनाते, ऐसा अलग अलग बनाते क्यों? क्योंकि रोज रोज खाने से तो बोर हो जाएगा ना, हम बहुत खाने के लिए नहीं, नहीं हमको पसंद नहीं आएगा रोज वही क्या। लेकिन हम रोज क्या, जो मुख्य पदार्थ रोज क्या बनाते हैं हम, चावल, चावल तो नहीं, उसके साथ मिला के खाने के लिए तो पहला मुख्य हमारा आहार क्या, चावल, वो तो होना है, चावल होना है, चपाती होना है, वो तो रोज हमको होना है। लेकिन ये बदलाव किस में करते हैं हम, ना जलपान में करते हैं, नाश्ता में करते हैं, और सब्जी में, और चटनी, चटनी जो बनाते हैं मिक्सर में डाल के, पहले पत्थर में डाल के ऐसा ऐसा घिसते थे, लेकिन अब मिक्सर में हर इसमें हर काम हम मशीन से करते हैं। तो इसलिए क्यों खाते, मतलब हमको वही खा के हम जीवन में बेजार हो जाते हैं, मतलब रोज वही खाना खाने से, इसलिए हम अलग अलग सब्जी बनाते हैं, अलग अलग चटनी बनाते हैं, अलग अलग ब्रेकफास्ट नाश्ता बनाते हैं। तो अपन पढ़ेंगे ये जलपान, खान पान की तस्वीर हम पढ़े, चित्र देखे। अब इधर अपन लेसन में पाठ में देखेंगे क्या बोले। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में बड़ा बदलाव आया है। पिछले 10 साल से हम अपने जीवन में, अपने संस्कृति में भी, खान पान में बहुत सारा बदलाव आया है। इडली, डोसा, बड़ा सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत में तक सीमित नहीं है, ये उत्तर भारत के भी हर शहर के उपलब्ध है। और अब तो उत्तर भारत का ढाबा संस्कृति लोग पूरे देश में फैल चुकी है। खाली है यहाँ पर आंध्रा, इधर तेलंगाना में खाते थे कौन सा, इडली डोसा वड़ा, लेकिन अब क्या हो गया, ये इडली वड़ा डोसा कहीं पर भी मिलता आपको, महाराष्ट्र में जाओ, गुजरात में जाओ, या किसी अलग देश में गए तो भी आपको ये तो मिलेगा। तो उधर की संस्कृति इधर ले ली है। और ढाबा में जाओ आप, गांव जाते रहते, हम बस में जाके, बस वाला रुकाता है ना, छोटा सा एक ढाबा रहता है, उसमें गरम गरम हमको बनाकर देते हैं, जो भी चीज मंगाओ मिल जाती वहां पर। तो अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी दाल साग आपको मिल ही जाएगी। फास्ट फ्रूट, फास्ट फ्रूट माने मतलब क्या रहता, तुरंत भोजन, फास्ट फूड बताओ क्या, मैगी और क्या बनाते, ऐसे ही बर्गर, ऐसी चीजें वो जल्दी जल्दी हो जाती है, लेकिन खाने के लिए अच्छी नहीं रहती। चलन का बड़े शहरों में खूब बड़ा है। आजकल फास्ट फूड खाने की चीजें बहुत ही मशहूर हो गई, वो कि चटपट मसाला डाल के चटपट खा लेते हैं वो, लेकिन अपने सेहत के लिए तो, हेल्थ के लिए तो अच्छा नहीं है। इस फास्ट फूड में क्या क्या, देखो फास्ट फूड में क्या क्या, क्योंकि वो हम खाते नहीं है ना, इसलिए हमको उतना याद, नाम उसके याद नहीं, लेकिन बच्चों को बहुत जल्दी याद आता है कौन सा है। बर्गर, नूडल्स, नूडल देखे ना, हर इधर मिल रहा है हमको, हर नुक्कड़ पे मिलता है, नुक्कड़ बोलते चौरस्ता, वहां पर लेके डिंग 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 आवाज आते रहता, फैलाते रहता वो, हाँ, नूडल्स जैसे कई चीजें शामिल है, ऐसे कई चीजें हैं कि जब बना देते हैं
और दे देते हैं। एक जमाने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज नूडल्स अब संभव होता किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। हाँ, तो एक जमाने में कहीं तभी मिलता था, और नहीं खाते बाबा हम ये चीज नहीं खाते, ऐसा बोलते थे। लेकिन अब आम चीजें कहीं पर भी मिल जाती है आपको, चाइनीज नूडल्स ऐसे कहीं के मसाले नूडल्स जो भी है वो कहीं पर भी आपको मिल जाता है। द मिल्स नूडल्स मतलब टू मिनट्स नूडल्स मतलब दो मिनट में तैयार होने वाला नूडल्स, एक पैकेट बंद रूप में तो कम से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। आजकल क्या है, दो मिनट नूडल्स बोल के भी मिलता है, वो जल्दी फटाफट आपको करके दो मिनट में आपको पैकअप भी पैक में करके भी देते हैं। वो कौन, आजकल बूढ़े भी खा पसंद कर रहे हैं और बच्चे भी। इस तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हो, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप जिसे घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं और ऐसे भी खा रहे हैं। और देखो चिप्स भी मिलता है, कैसा कैसा आलू का चिप्स, बनाना चिप्स, वो भी क्या करते हैं जब आप काट के बना के रख दे तेल में, और तेल कैसा रहता है आज इतना कड़ाई भर तेल डाल देते हैं उसमें तल के रखते, कल वही तेल फिर उसका उपयोग करते हैं, ऐसा तेल में लगा के आपको रख देते हैं वहां पर खाने के लिए। वो तो बहुत मशहूर हो गए और उसका विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन बोलते क्या है एडवर्टाइजमेंट, वो तो बहुत बता रहे कुरकुरे, आजकल क्या निकला है कुरकुरे, बोलते हैं कुरकुरे नहीं खाना, खाने से पेट में दर्द होता है, लेकिन आजकल बच्चों को कुरकुरे ही पसंद है, चिप्स और कुरकुरे, या लेकिन ये सेहत के लिए बहुत ही खराब है। जो बच्चे ये खाते हैं वो आनंद नहीं करते, मतलब रोटी चावल जैसे पदार्थ, नहीं नहीं हमें भूख नहीं, हम नहीं खाते, जो ज्यादा वही बाहर का दिखावा जो रहता खाते ही अच्छा रहता चटकदार, लेकिन खाने के लिए तो अपने स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा नहीं है, लेकिन बच्चे नहीं सुनते और वही खाने को मांगते हैं। तो इस तरह से हम आज नया पाठ शुरू किए हैं और दो अनुच्छेद पढ़े एक ही साथ में, हम अलग अलग थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ेंगे, उसके बाद फिर व्याकरण स्टार्ट करेंगे। समझ में आया, खान पान की तस्वीर आपको अभी आगे पढ़ना है, यहाँ तक ही हम, और जो पढ़ा है वो अनुच्छेद आप फिर एक बार घर में पढ़ना है। धन्यवाद बच्चों।